लाइन लग रहा है ब्रांडरी भैया, बोलो 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 जल्दी बोलो। बोल रहे यहाँ पे रघुआ दास 25 साल थे, उसके बाद 10 साल विद्युत बन महतो थे, एक तो एयरपोर्ट नहीं खुल पा रहा और बोल रहे केंद्रपुर में केंद्र में। बोलिए बोलिए। एयरपोर्ट के लिए तो सांसद जी एड़ी चोटी ये कर दिए थे वहाँ पर ही, लेकिन यही कांग्रेस फॉरेस्ट के नाम पर बरगला के एयरपोर्ट बंद होने के लिए एड़ी चोटी सब एक कर दिए। ठीक है, इधर 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 अपनी जगह नहीं, आगे मत आओ, आगे मत आओ, आगे मत आओ। आप अभी नारी शक्ति का मोदी जी सम्मान कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक से, जिन्होंने 3000 महिलाओं के साथ उनका वीडियो अश्लील वीडियो जारी है, वो विदेश भाग गया, आप क्या नारी सम्मान की बात कर रहे? ठीक है भैया बोलो, क्या बोलो के साथ पहलवानों के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई और उनके सांसद को कोई कार्रवाई नहीं, आज उनके पुत्र को फिर टिकट दे दिया गया, नारी सम्मान कहाँ गया? उनसे पूछिए कि फॉरेस्ट किस में आता, सेंट्रल डिपार्टमेंट में आता है तो मोदी जी करेंगे ना एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिए हैं तो राम मंदिर के नाम पर झूठा जुमला कब? ओके, पीछे 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 वाले, पीछे वाले, पीछे वाले सर, भैया जगह तो दीजिए, पीछे भी जाना है, नहीं जगह दीजिए सर। बीजेपी प्रवक्ता से हम कहना चाहते हैं कि इंडिया कैंडिडेट के बारे हर बार सवाल करते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो अगला पीएम कैंडिडेट कौन होगा? ठीक है बोलिए बोलिए सर। सांसद हमारे विधायक यहाँ पर है, मंत्री जी भी मुख्यमंत्री थे, सिर्फ टाटा कंपनी की दलाली करते हैं। हमारे बागबेड़ा में पानी की समस्या दुनिया भर के है, और प्लस क्या नाम है टाटा कंपनी के ये लोग कंपनी का काम करते हैं, ठेकेदारी और कोई नहीं। ठीक है मैम 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 आप बोलिए आप बोलिए। ये जो बात कर रहे हैं तब से, मैं केवल इनके एक विधायक से पूछती हूँ, पिछले 5 साल से स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है जमशेदपुर में और क्यों है ऐसा? ठीक है मैम आप बोलिए, आप बोलेंगी, आपके इस मुद्दे पर यहाँ वोट पड़ेगा, बोलिए। मोदी जी महिलाओं के लिए जितना काम किए हैं शायद किसी ने किया होगा, मोदी जी इतनी योजनाओं का लाभ हर महिलाओं को दिए हैं और नारी संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक है सर आप बोलिए। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां, इनकी पार्टी इनके घर से चलती है, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, हमारा हमारा मुद्दा इस बार सनातन और राष्ट्रवाद है। सनातन और राष्ट्रवाद, इधर भैया आप बोलिए, एक मिनट भैया रुको। सर बहुत संजीदगी से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि हेटरेट्स का रियल एग्जाम्पल आप अभी यहाँ पे देखेंगे, इतने सारे लोग हैं एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे नेता हमारे घर के बड़े बुजुर्ग वो होते हैं कि अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो बड़े बुजुर्ग उसको ठीक करते हैं, बट अगर हमारे आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि हम सबको डर लगता है कि हम उसके इलाके में जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो हेटरेट्स बढ़ाना, और अगर जमशेदपुर की बुनियादी चीज़ों पर बात करें तो यहाँ पर आप आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है आप चले जाएँ, वहाँ पर ठेकेदारी इतना ज़्यादा है और बहुत सारी सिर्फ धमकाने पे उनको पैसे मिलते हैं, चंदे मिलते हैं, तो यहाँ पे जमशेदपुर के 70% नवयुवक कैलकटा में जाके जॉब करते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से लोग बाहर भी जाते हैं जॉब करने, ये भी मुद्दा है। बोलिए सर आप बोलिए बोलिए। मेरा कहना है कि पूरे देश में मुद्दा से भटकाया जा रहा है, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है बेरोजगारी, अभी आप देखेंगे मऊ भंडार का कंपनी बंद है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। महंगाई महंगाई सर, खड़े होइए खड़े होइए खड़े होइए खड़े होइए, क्या बोल रहे हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हैं, हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव धर्म विरोधी कैसे हैं? हमारे पूर्वज नंद बाबा धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने पुत्री का बलिदान दिए थे और भगवान कृष्ण को बचाए थे, तो हमारे जदु वंश को भाजपाई धर्म विरोधी बोलते हैं किस कैसे कैसे? ठीक है इधर भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप बोलिए। राम मंदिर बनने में घाटशिला से जो कॉपर माइंस है वहां से सबसे ज्यादा तांबा गया था और उसके बाद वहां राम मंदिर बना था, लेकिन आज वही कॉपर माइंस बंद होने के कगार पे है और उसके आसपास के सारे माइंस बंद हो चुके हैं, उसके उपलब्ध में यहां के सांसद प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सर जमशेदपुर की प्रमुख समस्या है मानगो में जाम का समस्या हमेशा लगा रहता है, पार्टी से आपको वहाँ एलिवेटेड रोड बनना वो नहीं बन रहा है सर, ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान चोरों से होगा, कोई चारा चोर है, कोई बालू चोर है, कोई दारू चोर है, कोई मोबाइल चोर है, सबके घर में पैसा बराबर, कहाँ से रोजगार मिलेगा? सर एक मिनट